चलो तो आज की बात स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो था कॉस ए प्लस बी का। हमें एक्स और वाई के टर्म्स में ऑफकोर्स डेरिवेशन की थी, लेकिन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, हमने कहा चलो इस बी की जगह माइनस बी लेकर देखते हैं, इस बी की जगह माइनस बी लेते हैं। तो कल भी बात होगी थी हमारी, वैसे कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस माइनस बी, क्योंकि बी अब बी नहीं है, वो माइनस बी साइन चेंज हो गया बी का, माइनस साइन ए साइन और बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, माइनस बी सब्स्टिट्यूट करें। तो हम देख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को कि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। देख लीजिए क्या हुआ ना पहले, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इस हिसाब से तो ये कॉस माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, राइट, माइनस साइन ए तो ठीक है, लेकिन ये साइन माइनस बी जो है, साइन माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये साइन प्लस हो जाता है और ये साइन बी हो जाएगा। ये अपने पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। चेक कीजिए, आपको रीड करना आ रहा है ना, ये एक ही फॉर्मूले में मैंने दोनों प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर कर दिया है। देखिए यहाँ पे साइन सॉरी कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी जब यहाँ पे प्लस का साइन कंसिडर होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उल्टा हो जाता है। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था साइन ए प्लस माइनस बी का। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, एक बार प्लस लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी का द फॉर्मूला वॉज साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला भी हमने कल इसकी हेल्प से डिराइव किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट से हम साइन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर साइन ए माइनस बी हो जाए तो यहाँ पे कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। चेक कीजिए, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस ही रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस है साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसकी हेल्प से अगर हम कुछ फॉर्मूले और ओपन करना चाहें तो हम और फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को कोई कहे, फिर वापस बेसिक्स पे चलते हैं। देखो हमें क्लास 10 में समझाया गया था कि कॉस टू थीटा टू साइन सॉरी साइन टू थीटा टू साइन थीटा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे हम रेश एंगल का डबल कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट में हम रेशो का डबल कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल नहीं होते। अपन ने देखा भी था कि अगर हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम ये नहीं कह सकते कि साइन 30 का डबल कर देते हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी, नहीं, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत है ना। इसी तरह से अगर हम कॉस 2 थीटा की भी बात करें तो हमें ये तो समझाया गया था 9th 10th में भी कि कॉस 2 थीटा का मतलब 2 कॉस थीटा से नहीं है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। हमें डिफरेंस अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पे एंगल का डबल हो रहा है और यहाँ पे रेशियो का डबल हो रहा है और ये दोनों चीजें एक एक जैसी नहीं हो सकती, या दोनों चीजें जो है वो इक्वल नहीं हो सकती। तो होगी क्या अगर ये नहीं हो सकती, तो फिर क्या? तो हमने कहा चलो ठीक है, जो जिसे मैंने कहा था ना आपको कि दिस इज द पेरेंटल फॉर्मूला, दीज आर द पेरेंटल फॉर्मूला। आप देखेंगे कि एक अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया ना, या एक फॉर्मूला भी आपको याद हो गया ना, तो आप बाकी सारे फॉर्मूले इससे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हमें याद रखने में भलाई इसलिए है कि हम बार बार डेरिवेशन थोड़ा करेंगे, इससे हमें कहा जाता है कि याद भी कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें कॉस टू थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट, तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, चलो कॉस टू ए की वैल्यू चाहिए, कॉस टू ए की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है ना, हम इसको कॉस ए प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, कॉस टू ए है कॉस ए प्लस ए, क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है।
cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b। याद रखिएगा इन फॉर्मूले को, तो ये तो सबसे पहले याद हो जाना चाहिए हमें, ठीक है। cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये b नहीं है ये a ही है, तो फिर तो cos a plus cos मतलब cos a a a plus a हो गया, तो एक ही जगह a plus a लिख दिया, तो इस b को भी हमने क्या बनाया a, तो b की जगह रिप्लेस कर देते हैं a से, b is been replaced with a। Now look at the formula, this is cos square a minus sin square a, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा is equal to cos square थीटा minus sin square थीटा, लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह से इसको हम cos square थीटा को हम 1 minus sin square थीटा भी तो लिख सकते हैं, 1 minus sin square थीटा भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना इसको हम 1 minus 2 sin square थीटा लिख लें। तो cos 2 a का एक और फॉर्मूला या cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, वो है हमारे पास में 1 minus 2 sin square थीटा। मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड कहता है कि ये 1 minus cos square मतलब cos square को इसको रिप्लेस कर रहा है sin square को रिप्लेस कर दे, तो हम उसको ये भी समझा सकते हैं हाँ बिल्कुल sin square को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा cos square a और यहाँ पे प्लस cos square a minus 1, क्योंकि मैंने minus sin square थीटा को रिप्लेस किया है, आप ब्रैकेट लगा के चल लीजिए एक ही बात है ना, तो हम इसको 2 cos square a minus 1 भी तो कह सकते हैं, चेक कीजिए राइट। तो अब हमारे सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी, हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस होती है ना तो हो जाते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा का, क्या cos square थीटा minus sin square थीटा, इसको हम cos square को हटाएंगे तो हम 1 minus 2 sin square थीटा भी कह सकते हैं, अगर हम cos square को रिप्लेस कर रहे हैं तो, अगर हम sin square को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये 2 cos square थीटा minus 1 भी हो सकता है। तो देखिए ना हमारे पास में इतने सारे फॉर्मूले, शुरुआत में हमें लगेगा बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे यार इस तरह से, तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी याद करने के लिए, नहीं होंगी, जब हम समझ के करेंगे ना और डेरिवेशन को समझेंगे ना तो हमें ये बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ये ज्यादा नहीं है यूं कह लीजिए, चलिए अगर टेंथ के मुकाबले में देखें तो ऑफकोर्स ज्यादा है। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि cos 2a क्या होता है, cos square a minus sin square a होता है, ठीक है ना, अगर cos square a minus sin square होता है तो इसको हम tan square के टर्म्स में ला सकते हैं क्या, अगर हम इसको tan square के टर्म्स में भी ले आएंगे, tan के टर्म्स में भी ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो हमने कहा चलो एक ट्रिक अपनाते हैं, ये cos square a minus sin square a upon 1 है ना, और 1 का मतलब तो cos square theta plus sin square theta होता है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम cos square a plus sin square a से, कर सकते हैं ना ऐसा, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, तो लिख दिया cos square a minus sin square a upon 1। Now dividing the numerator and denominator with cos square theta, the numerator and denominator with cos square theta, अगर हम cos square theta से डिवाइड कर दें तो ये 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a भी तो लिखा जा सकता है, ठीक कीजिए, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, अगर हम यहाँ पे फिर से समझिएगा, देखिए cos 2a का फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, cos 2a का कहां से इसकी हद से आया कि cos a plus a लिखेंगे तो ये cos square a minus sin square a हो जाएगा, राइट। हम ये कह रहे हैं कि ये होता है फॉर्मूला तो ये cos square a minus sin square a, इसको अलग अलग ढंग से हमने दो तरीके से और लिख दिया कि अगर sin square हटा दे तो, अगर cos square हटा दे तो, मान लीजिए इसको हम sin square theta plus cos square theta से डिवाइड कर दें, मान लेते हैं ठीक है, हमने इसे डिवाइड कर दिया cos square a plus sin square a से, और हम tan की टर्म्स पर लाना चाहते हैं, अगर हम tan की टर्म्स पर लाना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे अगर cos square से तो tan में बदल जाएगा, तो हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos square a से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, चेक कीजिए, तो जब हम cos square a से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी जब हम cos square a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो tan square a में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, ये तो हो गया अपने पास 1,
तो ये हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज कि सर आपने तो कॉस क्यू थीटा के भी चार फॉर्मूले बता दिए, कॉस क्यू थीटा के भी चार फॉर्मूले बता दिए। देखिए ना, आपके पास एक आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब एक चौथा और आप बता रहे हो कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होती है। यानी आपने चार फॉर्मूले बता दिए केवल कॉस 2 थीटा के, कौन सा याद करना है कौन सा नहीं। यकीन मानिए, बहुत पॉजिटिव मैनर में बोल रहा हूँ, आपको एक फॉर्मूला भी याद है ना अगर, तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको भी याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में, ठीक है। इसी तरह से अभी अपनी बात हुई थी, याद कीजिए हमने कहा था कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा नहीं होता, ये हमने टेंथ में पढ़ लिया था, बात डिफरेंस समझ लिया था कि कहां एंगल का डबल हो रहा है और कहां रेशो का। हम चाहते हैं कि साइन 2 थीटा का भी डेरिवेशन होता है, हम चाहते हैं कि साइन 2 थीटा का भी डेरिवेशन होता है, तो बहुत इजी है। देखिए ना, हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से कहूंगा, ये दोनों तो याद ही रखने पड़ेंगे अपने को, याद तो खैर दूसरे भी रखने पड़ेंगे लेकिन शुरुआत में ये दोनों याद रहना चाहिए। अब अगर हमें कॉस सॉरी साइन 2 ए चाहिए तो हम ए प्लस ए कर लेते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने पास ये साइन 2 ए हो जाएगा, है ना। चलो तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी ए, फिर कॉस ए तो था ही और साइन भी ए हो गया। चेक कीजिए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए, राइट। फॉर्मूला आ गया किसका, साइन 2 थीटा का। व्हाट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। एक तरीका, एक मतलब फॉर्म, एक और दूसरा फॉर्म भी हो सकता है इसका। अगर हम टैन स्क्वायर के फॉर्म में लेना चाहें तो, अगर हम टैन स्क्वायर के फॉर्म में लेना, टैन के फॉर्म में लेना चाहें तो क्यों ना इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम चलो डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर हम इसको टैन की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करो सही है ना। अगर हम इसको टैन की टर्म्स में चाहते हैं कि ये टैन की टर्म्स में आए हमारे पास में एक्सप्रेशन, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कर दिया। तो क्या फर्क पड़ता है, मैथ मैथ है, कर सकते हैं आपको, है ना, केवल शक्ल बदलने के लिए जिसे कहते हैं रिजल्ट आने के लिए। ये देखिए ना, कॉस स्क्वायर ए कॉस से सुलझ गया, तो न्यूमरेटर में 2 टैन ए बचेगा, यानी कि 2 टैन थीटा बचेगा। चेक कीजिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर को, तो एक कॉस तो एक कॉस से जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि 2 टैन ए। डिनोमीटर में ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो हो गया टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा प्लस 1। आपके पास में एक और फॉर्मेट आ गया साइन 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा का टैन की टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैथ 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 के स्टूडेंट है ना, छोड़ने वाले छोड़ना यहाँ पे बात को। अगर हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया है, तो क्या हम टैन 2 थीटा को छोड़ देंगे। ये हमें मालूम है कि टैन 2 थीटा 2 टैन थीटा नहीं होगा, ये तो हमें मालूम है, तो होता क्या है उसकी बात करते हैं।
तो tan 2a का फॉर्मूला कहां से डिराइव करेंगे? एनीबडी, एनी आइडिया? यस, अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे थोड़ा गाइड करो. मैं tan 2a का फॉर्मूला ओपन करना चाहता हूं, कहां से लाऊं? tan 2 थीटा का फॉर्मूला कहां से लाऊं? cos 2a यहां से आ गया, sin 2a यहां से आ गया. ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन tan 2a का फॉर्मूला कहां से आएगा वो समझ में नहीं आ रहा. tan 2a कहां से लाऊं सर? हाँ बोले सर. मे बी शायद sin 2a डिवाइड बाय cos 2a. मे बी नहीं, यही है बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बेटा, बिल्कुल सही है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ sin 2a, वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 2a, और sin 2a को cos 2a से डिवाइड कर दे तो हमारे पास में किसका वैल्यू आ जाएगी? tan 2a की वैल्यू आएगी, बिल्कुल. अब sin 2a क्या था इन टर्म्स ऑफ tan की बात करते हैं, तो sin 2a था 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है. इसी तरह से अपने पास cos 2 theta जो था वो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta था, राइट. अब a को मैं theta में चेंज कर दिया, आप समझ रहे हैं यहाँ पे मेरा मतलब a से है, करेक्ट. चेक कीजिए, यही है ना. sin 2 theta का फॉर्मूला अपने को tan के टर्म्स में आता है, cos 2 theta का फॉर्मूला भी हमें tan के टर्म्स में आता है. तो अगर हम sin 2 theta को cos 2 theta से डिवाइड कर दें तो tan 2 theta की वैल्यू आ जानी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपके सामने है वैल्यू. ये 1 plus tan square theta और 1 plus tan square theta कैंसिल हो जाएंगे तो tan 2 theta की वैल्यू आएगी 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. कीजिए, ये tan 2 theta की वैल्यू है, ये tan 2 theta की वैल्यू है. क्लियर? यस और नो? यस सर. ओके, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ. जहां जहां जरूरत होगी वहां पे मैं आपको अनम्यूट करने के लिए, इसलिए मैंने म्यूट और अनम्यूट की आपको फैसिलिटी दी हुई है, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए. सर ये हमारा, हम मैथमेटिशियन है, हमारा पेट यहाँ पे नहीं भरता, हमें और फॉर्मूले की जरूरत है. हमने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं. साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा का अपन ने देख लिया कैसे ओपन किया, cos 2 थीटा का मैंने देख लिया कैसे किया. हम क्या चाहते हैं? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करना. चलो गेस करो क्या करेंगे साइन 3 थीटा के केस में. एनी गेस? साइन 3 थीटा बेटा कैसे करेंगे ओपन? साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा. साइन 2 थीटा प्लस थीटा है ना, ठीक है, प्लस थीटा, सॉरी थीटा, हाँ भाई है ना. यस सर. साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी. ये ना फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसलिए आपको बैकबोर्ड पे लिखा था कि ये दोनों फॉर्मूला अभी याद नहीं होंगे लेकिन ये याद होने चाहिए दोनों के, दोनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b plus cos a sin b. चेक कीजिए, मैं a और b बोल रहा हूँ लेकिन अब हम वर्षों से यार अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है a और b बोलते हैं लिखते कुछ हो रहा है ना. तो sin 2a cos या sin 2 theta cos theta plus cos 2 theta sin theta, राइट. रिप्लेस करते हैं sin 2 theta को, sin 2 theta का की वैल्यू होती है 2 sin theta cos theta. चेक कीजिए, मैंने sin 2 theta का फॉर्मूला लिखा है, ये अपन डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta into cos theta था, इसलिए एक बार और cos theta लिख लेता हूँ. याद देखिए मैंने क्या किया, sin 2 theta का फॉर्मूला जो है, मतलब sin 2 theta की वैल्यू रख दी, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. एक into cos theta था तो वो cos theta वहीं रहेगा, ठीक है. अब मुझे cos 2 थीटा को रिप्लेस करना है और मेरे पास में चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, एक दो तीन चार, इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा काम बन जाएगा. लेकिन अक्कल से रिप्लेस करता हूं. अक्कल ये कि जब sin 3 थीटा की वैल्यू की बात हो रही है तो मैं किसको रिप्लेस करूं जो sin के टर्म्स में हो. जैसे ये tan के टर्म्स में है इससे रिप्लेस नहीं करता, ये cos के टर्म्स में है इससे भी रिप्लेस नहीं करता, ये sin की टर्म्स में इससे रिप्लेस करता हूं, इसमें भी sin और cos दोनों है तो इसके लिए नहीं करूंगा. तो मैंने इसको क्यों चूज किया फिर से समझाऊं, क्योंकि मेरे को साइन 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए और ऐसा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें साइन इन्वॉल्व हो वो ये है, राइट.
तो मैं cos थीटा 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा है फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास चार चार फॉर्मूले थे अलग अलग फॉर्मेट में, या यूं कह लीजिए एक ही फॉर्मूला था लेकिन चार फॉर्मेट में था, उसमें से हमें इसी फॉर्मेट पे दिलाया हमारा, इसी फॉर्मूले को हमने कैच किया। क्यों? क्योंकि हम साइन थीटा की वैल्यू चाहते हैं, तो हम सारी चीजों को यानी आप पूरे फॉर्मूले को साइन की टर्म्स में ही तो चाहेंगे कि साइन का फॉर्मूला तो साइन की टर्म्स में ही आए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले या जो भी सिग्मेटिक रेशियोज आएंगे उनको साइन साइन की टर्म्स से साइन चेंज करेंगे। तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और ये साइन थीटा हमारे पास पहले से था तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया। चेक कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। चेक कीजिए, ब्रैकेट खोला और कुछ नहीं किया मैंने, राइट। और अभी अभी अपनी बात हुई, अपनी अपनी सॉरी माइनस ही है ना, हाँ अभी अभी अपनी बात हुई ये कि जब साइन थी थीटा का फॉर्मूला बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं साइन थी थीटा की, तो ये कॉस स्क्वायर क्या कर रहा है भाई, ये कॉस क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इसको भी रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस करेंगे तो हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करना है। ठीक है बच्चे, ब्रैकेट खोलिए, 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। इसी तरह से माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एक और आएगा, तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अपने पास आ गया। फिर से दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, मुझे मालूम है, क्या सर ये भी याद करना पड़ेगा? हाँ याद तो करना पड़ेगा, अगर याद नहीं किया तो बाबा क्या डेरिवेशन करने बैठेंगे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, या इससे इसको कहीं इंप्लीमेंट करना होगा, साइंस सिटी का ये फॉर्मूले को आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करना होगा, तो क्या हम डेरिवेशन करने बैठेंगे? नहीं, आज डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि फॉर्मूले आए कहाँ से, वरना बहुत आसान है ये बोलना कि सर बेटा सब याद कर लो। अरे याद कहाँ से होंगे सर, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, याद करना नहीं आता, समझना आता है, आप समझाओ। समझा दिया, अब क्या करना पड़ेगा, अब याद करना पड़ेगा। चलो अब वापस से, मुझे आपकी हेल्प चाहिए भाई, मुझे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला तो आ गया, चलो डिराइव भी कर लिया, याद भी कर लूंगा धीरे 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 धीरे, एक ही दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे। मुझे कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला भी तो चाहिए, कैसे लाऊंगा, अब आपकी हेल्प चाहिए, अब आपको ही बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना। कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, तो कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, क्या बात है फिर? अब सर cos 2 थीटा * cos थीटा मतलब cos की वैल्यू लगा रहे हो आप, मतलब फार्मूला लगा रहे हो cos थीटा है ना आप, बिल्कुल ठीक है, cos 2 थीटा cos थीटा माइनस गुड, नहीं हाँ सर माइनस cos a + b में sin a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है बेटा, ठीक है आप बोलते जाओ, चलो सॉरी आप बोलते जाओ सर, cos 2 थीटा है जो उसे वो वैल्यू रख देंगे। बहुत सही है, cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अब वैल्यू भी चार का दे दी सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली रखेंगे। क्यों ये क्योंकि सर हमें cos थीटा में निकालना है ना, बाकी सब में sin थीटा है और tan थीटा है जो कि हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही भाई, नहीं बिल्कुल सही, जब cos थीटा की वैल्यू पूछ रहे हो आप, cos थीटा की वैल्यू, तो साइन का लेके या टैन का लेके क्या करोगे आप, cos में ही रिप्लेस करोगे ना, बिल्कुल सही है। तो आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है कि cos 2 cos थीटा माइनस 1 से इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस अब माइनस 2 cos थीटा सर, फिर वही वापस हमें साइन का वैल्यू ले, वो वैल्यू लेना पड़ेगा ना, तो उसमें हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हम इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बेटा, हाँ सर मतलब साइन 2 थीटा
वाला क्या था साइन टू थीटा, ये थे दो। हाँ सर, इसमें हम लेंगे 1 - sin²θ। अभी नहीं लेंगे चलो आपकी बात सही है, आप शॉर्टकट में करो, मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। साइन टू थीटा की दो वैल्यूज हैं अपने पास, एक साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक टैन थीटा टर्म्स में। टैन का क्या करना है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा से, ठीक है। और इन टू में मेरे पास में साइन थीटा था ही, तो मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ, देखो ठीक है बच्चे। ओके सर। हाँ जी, अब सर वापस वही 2 cos square theta minus 1 या फिर सीधा भी cos theta ब्रैकेट खोलेंगे 2 cos cube theta minus cos theta और यहाँ पे 2 cos theta और फिर सर वो sin square theta हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 minus cos square theta कर सकते हैं। यस, ये अब हमारे आंखों में ये खटक रहा है, ये cos 3 theta का फॉर्मूले में sin क्या कर रहा है, तो हमने क्या किया उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरे वैसे लिख लेते हैं, ये 2 1 माइनस माइनस cos square theta इनटू cos theta, ठीक है बेटू, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है आपको, माइनस 2 cos cube theta माइनस cos theta माइनस 2 प्लस 2 cos square theta, नहीं गलत कर रहा हूँ, वो cos theta भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी माइनस 2 cos theta प्लस 2 cos cube theta। हाँ जी बेटा, तो फाइनली आपके पास में 2 cos cube theta प्लस 2 cos cube theta यानी कि 4 cos cube theta माइनस 3 cos theta माइनस 3 cos theta, सही है राइट। तो आपने किसकी वैल्यू डिराइव की, cos 3 theta की, है ना, बढ़िया है। तो डेरिवेशन हाँ सर, मैं आप जस्ट डोंट रेज योर हैंड, लेट मी नो। सर अपन ये cos 3 थीटा में तो अपन sin थीटा हटा रहे हैं, लेकिन cos 2 थीटा में क्यों नहीं हटाया अपन ने, जहाँ जहाँ पे हम हटा सकते हैं वहाँ पे हटाएंगे, जहाँ पे नहीं हटा सकते वहाँ पे नहीं, ठीक है। देखो हमें cos 2 थीटा में, अच्छा क्वेश्चन है, cos 2 थीटा में हमें रिप्लेसमेंट की मतलब चॉइस थी, अवेलेबिलिटी थी, ऐसा कहना चाहिए, हमने वहां पे रिप्लेस किया। लेकिन साइन टू थीटा में, टू साइन थीटा कॉस थीटा में हम कॉस थीटा को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, तो वो रूट रूट में आ जाता, इसलिए हम जहां पे जीरो होती है ना बेटा, वहां पे या यूं कह लें जहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं वहां पे जरूर करते हैं, और जहां पे नहीं रिप्लेस कर सकते वहां पे हम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। ओके, तो कोशिश करते हैं बेटा रिप्लेस करने की, अगर नहीं कर पाते ना तो जहाँ पे हम नहीं रिप्लेस कर पाते वहां पे हम फिर उसको छोड़ देते हैं, हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन जनरली जहाँ पे चॉइस हो, किससे बोल रहा हूँ, जहाँ पे चॉइस हो, जहाँ पे चॉइस में नहीं अवेलेबिलिटी हो वहां पे जरूर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है तो साइन की टर्म्स में होना चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला है तो कॉस की टर्म्स में होना चाहिए, टैन थीटा का फॉर्मूला है तो टैन की टर्म्स में होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब टाइम बहुत कम बचा है, इससे टैन थीटा एंड ऑल मैं आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा।